देखिए ये जैगुआर का सिर है। आपने इसे मारा? हाँ। आज रात हम जंगल में सोएंगे, हम देखेंगे कि अमेज़न जनजातियाँ कौन है। धरती का फेफड़ा अमेज़न। अमेज़न जंगल में आपका स्वागत है। ये जगह दुनिया की किसी भी दूसरी जगह से बिल्कुल अलग है। दुनिया के सबसे बड़े वर्षावन जो 9 देशों में फैले हुए हैं। नील के बाद ये दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। नील नदी इससे थोड़ी लंबी है, लेकिन अमेज़न नदी सबसे ज्यादा बड़ी है। इसका प्रवाह नील से ज्यादा तेज है और ये 5 सबसे बड़ी नदियों में से एक है, क्योंकि अमेज़न नदियों का एक जटिल नेटवर्क है जिसकी कई सहायक नदियां हैं। दुनिया में सबसे बड़ा नेटवर्क और इसका मुख्य स्रोत पेरू में एंडीज पर्वत से है, जहां हम पहाड़ों पर थे, और ये ब्राजील के मुहाने पर खत्म होती है अटलांटिक महासागर में। मुहाने पर अटलांटिक महासागर ऐसे किसी भी कचरे को नदी से साफ करता है जो अमेज़न नदी रास्ते में अपने साथ ले आती है। ये मुहाना लगभग 50 किलोमीटर में फैला हुआ है, लेकिन वर्षावन एक रहस्य है। ये अद्भुत चीज है जो सर्वशक्तिमान अल्लाह ने हमें दी है, इस दुनिया की एक शानदार चीज। ये वर्षावन बहुत महत्वपूर्ण है और मैं आपको इसका कारण बताता हूं। ये धरती को ऑक्सीजन देते हैं। धरती का 20% ऑक्सीजन जंगलों से आता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड को संग्रहित और अवशोषित करता है, जिससे जलवायु की कई समस्याएं हल होती हैं जो आज के युग की समस्याएं हैं। और वर्षावन अकेले दक्षिण अमेरिका के 40% हिस्से को दर्शाते हैं। ये जंगल 6000 किलोमीटर लंबे हैं, जो दक्षिण अमेरिका के 9 देशों में फैले हुए हैं, जिसका क्षेत्रफल 5.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, जो यूरोपीय संघ से भी बड़ा है। अमेज़न। आज रात हम जंगल में सोएंगे, जंगल के बीचों बीच जानवरों के साथ। ये कोई साधारण जगह नहीं है, ये दुनिया के सबसे बड़े जंगल में एक खतरनाक जगह है। लेकिन पेरू में ये जगह शहरों से बहुत दूर स्थित है। आपको कई दिनों तक सफर करना पड़ता है अलग थलग जनजातियों के बारे में जानने के लिए, अजीबो गरीब चीजें देखने के लिए। लेकिन ये लोग कहते हैं कि यहाँ का सबसे खतरनाक जानवर जैगुआर है। सबसे खतरनाक जानवर अमेज़न में एनाकोंडा और जैगुआर है। जैगुआर यहाँ रहते हैं, क्या आप सोच सकते हैं? और एनाकोंडा वो बहुत बड़ा सांप होता है। ये अजीब है। अब हम जंगलों के बीच हैं। हमारे यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी नदी है अमेज़न नदी। हमारे यहाँ बड़े बड़े सांप होते हैं जिसका नाम एनाकोंडा है। बहुत खतरनाक होते हैं यहाँ के लोगों के लिए। हमारे पास बहुत सारी पारंपरिक दवाएं हैं, प्राकृतिक दवाएं हैं जंगल से। मुझे इक्विटोस बहुत पसंद है। लेकिन उम्मीद है कि हम ब्राजील जा रहे हैं। सबसे पहली चीज, आपको लंबी आस्तीन वाली शर्ट पहननी होगी। मच्छरों की वजह से बहुत सारी चीजें लगानी होंगी। अभी मैंने अपनी त्वचा पर बहुत सारी चीजें लगा रखी हैं। आपको इतने लंबे जूते पहनने होंगे। तो अब हम क्या करेंगे? हम जनजातियों के पास आ गए हैं, जंगलों के अंदर। अब वो हमारी खातिरदारी करेंगे। हम देखेंगे कि अमेज़न जनजातियां कौन हैं। इस जनजाति का क्या नाम है? बोरस। बोरस? बोरस, अच्छा। अमेज़न जंगल से? हाँ, अमेज़न जंगल से। ये लगभग पापुआ की तरह है। ये लोग वैसे ही बातचीत करते हैं, वैसे ही खाते और पीते हैं। इनकी जीवन शैली भी लगभग एक जैसी है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है पापुआ थोड़े ज्यादा अलग थलग है, लेकिन ये लोग उतने नहीं है। साथ ही पापुआ पेड़ों पर रहते हैं। ये लोग यहाँ जमीन पर नदी के किनारे रहते हैं। देखिए ये जैगुआर का सिर है। आपने इसे मारा? हाँ। ये अमेज़न में लोकप्रिय है। ये बाघ है या जैगुआर? ये जैगुआर है। बाघ और जैगुआर में क्या अंतर है? ये छोटा होता है। ये छोटा है? ये अमेज़न में मशहूर है? हाँ, हाँ, बिल्कुल।
ये लोग उनके चमड़े से वॉलेट बनाने के लिए उन्हें पकड़ते हैं, जिसे आप देख सकते हैं। तुम जंगल के लड़के हो? हाँ। आपको अमेज़न की जनजातियों के बारे में जानना चाहिए कि वो अलग थलग नहीं है। अब उनके पास जाना मुश्किल नहीं रहा, इनके पास बहुत सारे सैलानी आते हैं। ये लोग उन्हें अपनी जिंदगी दिखाते हैं, लेकिन यहाँ इनके पास इंटरनेट है। यहाँ एक लड़की थी जो ये करने के लिए मजबूर थी। ऐसा लग रहा था कि माँ बाप ने उसे ऐसे काम करने के लिए मजबूर किया था। वो उदास थी, उसके अलावा सब खुश थे। ये पापुआ जनजातियों की तुलना में कुछ नहीं है। पापुआ लोग पूरी तरह अलग थलग होते हैं। तो आप अमेज़न से होते हुए इन जनजातियों तक पहुंच सकते हैं। आप जंगल में थोड़ा अंदर जाते हैं और आपको वो मिल जाएंगे। क्या आप चाहते हैं कि मैं वापस पापुआ के पास जाऊं? मुझे बताना। पापुआ में दूसरी दूसरी जनजातियां भी हैं, उन्हें छोड़कर जिन्हें हमने फिल्माया था।